सो आज अपन बात करने वाले हैं नियो लेमार्किज्म क्या होता है ना, नव लेमार्कवाद क्या होता है। इससे जस्ट पहले अपन ने लेमार्किज्म देखा था। लेमार्कवाद क्या होता है, यदि लेमार्कवाद आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि नियो लेमार्किज्म है क्या। तो सबसे पहले आपको नव जो लेमार्किज्म है वो पढ़ना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हो ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अपन बात कर रहे हैं नियो लेमार्किज्म क्या है। तो लेमार्क ने क्या क्या, अपने जो पिछला सिद्धांत था लेमार्किज्म उसमें क्या क्या गलतियां की थी, उन गलतियों को तीन वैज्ञानिकों ने सुधारा, और उन गलतियों को लेमार्क ने जो गलतियां की थी उनको एक उनमें संशोधन किया और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, नियो लेमार्किज्म बोलते हैं। तो तीन वैज्ञानिक कौन थे, समनर, टावर एंड मैकडूगल। ये तीनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेमार्क द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसमें परिवर्तन किया, उसको संशोधित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कराया, जिसको ही आज अपन क्या बोल रहे हैं, नियो लेमार्किज्म बोल रहे हैं। अब ये सिद्धांत क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्या चीज बताई थी, नई क्या चीज बताई। इन्होंने ये बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार ये चीज है कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव वंशागत नहीं होता है, किंतु बाह्य वातावरण का प्रभाव हार्मोन्स के ऊपर जरूर पड़ता है, एवं ये हार्मोन्स जनन सेल को प्रभावित करते हैं जिसके फलस्वरूप लक्षण वंशागत हो जाते हैं। लेमार्क ने यह बताया था कि अपन जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे या जिसका अपन उपयोग नहीं करेंगे, जिसका ज्यादा उपयोग करेंगे वो तो क्या होगा, ज्यादा विकसित होगा, जिसका अपन उपयोग नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रभाव क्या होगा, वंशागत होगा। ये चीज लेमार्क ने बताई थी, लेकिन ये इन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत में संशोधन करके क्या बताया कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव होता है ये वंशागत नहीं होता है, किंतु ये प्रभाव कब वंशागत होता है कि जब कोई भी यदि बाह्य वातावरण होता है उसके प्रभाव से यदि हार्मोन पर यह प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर, हार्मोन वर्ड का यहाँ पे इन्होंने यूज कर लिया, किस वर्ड का, हार्मोन का प्रभाव पड़ता है। एवं ये हार्मोन क्या होते हैं, जो जनन सेल्स होते हैं ना, जो जर्म सेल्स होती है, अब जर्म सेल क्या होती है, विज़मान ने बताया था, उसकी भी वीडियो बना रखी है कि विज़मान थ्योरी क्या है, तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगी, कि जो जनन सेल्स होती है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, लक्षण वंशागत हो जाते हैं। मतलब जो जनन सेल के अंदर जो लक्षण जाएंगे या ना जनन सेल के अंदर कोई भी चीज प्रभावित होगी तो वो क्या होगी, वंशागत हो जाती है। इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि साथ ही यदि वातावरण के साथ में ही वातावरण में परिवर्तन कर दिए जाए कुछ, जैसे कोई भी भौतिक कारक हो या कुछ भी रासायनिक परिवर्तन हो, जो क्या हो, जो जर्म प्लाज्म है उसको क्या कर दे, प्रभावित कर दे, ऐसे ही जो परिवर्तन होंगे वो निश्चित रूप से वंशागत होकर संतति के अंदर प्रदर्शित होंगे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या चीज इंपॉर्टेंट ले ली, इन्होंने एक चीज हार्मोन नाम ले लिया और क्या ले लिया, जनन द्रव्य, ना जर्म प्लाज्म। हार्मोन में जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जनन सेल्स के अंदर जाएगा, वहां से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे, न कि कोई अंग ज्यादा उपयोग करेंगे उनसे या नहीं उपयोग करेंगे उनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थी नियो लेमार्किज्म की थ्योरी, आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं, और भी आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको जो टॉपिक क्लियर नहीं है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।